तो चलिए देखते हैं वो कौन सी चीज है जो रेसलमेनिया एक्सेल में दी रॉक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। WWE ने रेसलमेनिया एक्सेल के लिए हाल ही में किक ऑफ प्रेस इवेंट किया था। इसमें मैच रॉयल रंबल मैच के विनर कॉडी रोड्स से अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन रेंस को चैलेंज किया था। कंपनी ने अब इस मैच को एक्सेप्ट कर लिया है। इस घोषणा के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि दी रॉक रेसलमेनिया में क्या करेंगे, क्योंकि इससे पहले हर कोई रोमन रेंस वर्सेस दी रॉक का ड्रीम मैच का वेट कर रहा था और काफी फैंस का यह उम्मीद था कि रोमन रेंस वर्सेस दी रॉक का मैच हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो चलिए इस वीडियो में हम ऐसी चीजें के बारे में बात करते हैं जो दी रॉक इस या बड़े इवेंट में कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट को डिस्कस करो तो WWE रेसलमेनिया एक्स में दी रॉक और रोमन ने टीम बनाकर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का सामना करेंगे। दी रॉक और रोमन रेंस को कई मौके पर साथ में जरूर देखा गया है, लेकिन इन दोनों ने रेसलिंग रिंग में कभी एक टैग टीम के तौर पर काम नहीं किया है। इन दोनों ने एक बार एक फिल्म में साथ काम किया था, लेकिन क्या हो अगर WWE इन दोनों को रिंग में एक टैग टीम के तौर पर काम करने का मौका दे, तो ये देखना मैच काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। दी रॉक और रोमन रेंस का रेसलमेनिया एक्स प्रेस इवेंट में कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस से आमना सामना हुआ था। इस सेगमेंट के लास्ट में जिस तरह हुआ था उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि कंपनी के पास एक बहुत बड़ा मैच बुक करने का मौका है। WWE ईयर के सबसे बड़े इवेंट पर रोमन रेंस और दी रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का मैच बुक कर सकती है WWE, और इससे इस इवेंट की स्टार पावर भी बढ़ सकती है। ये मैच रेसलमेनिया एक्सेल के नाइट वन में हो सकता है। आपको क्या लगता है ये मैच होगा या नहीं? तो नंबर सेकंड पॉइंट को डिस्कस करो तो दी रॉक के कारण WWE रेसलमेनिया एक्सेल में हो सकती है रोमन रेंस की हार। रोमन रेंस हमेशा से हेड ऑफ द टेबल होने की बात करते आए हैं। दी रॉक ने अब तक इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन हो सकता है कि वो खुद को ब्लड लाइन का हेड समझते होंगे और रोमन रेंस को सबक सिखाने का मौका ढूंढ रहे होंगे। दी रॉक एक हील रेसलर की तरह काम कर रहे हैं। अगर बॉस इस किरदार को और भी ताकतवर दिखाना चाहते हैं, तो वो रोमन रेंस को हरा सकते हैं इस मैच में। इससे उनका पोजीशन एकदम से टर्न हो जाएगा, जबकि रोमन रेंस भी फेस टर्न कर सकते हैं। ये एक डंबल टर्न होगा जो कि बेहद अच्छा होगा। इसके साथ ही कोडी रोड्स अपने स्टोरी को भी खत्म कर पाएंगे। आपको क्या लगता है रेसलमेनिया 41 में दी रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा या नहीं? तो फर्स्ट देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से देख ले। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, आपका एक लाइक मुझे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और नंबर फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करो तो रेसलमेनिया एक्स में रोमन रेंस और दी रॉक के साथ एंडिंग हो सकती है इस मैच का। कोडी रोड्स ने मैच रॉयल नंबर मैच को जीता था और उन्होंने रोमन रेंस के साथ रेसलमेनिया में एक मैच लड़ना चाहा था, जिससे अब इस बीच दी रॉक साफ कर चुके हैं कि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि वो रेसलमेनिया एक्सेल में लड़ना चाहते हैं। दी रॉक ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अब वो मैच में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और फाइट भी करना चाहते हैं। WWE रोमन रेंस और कोडी रोड्स मैच को रेसलमेनिया के नाइट वन में बुक कर सकती है, जहां दी रॉक के कारण रोमन रेंस हार सकते हैं उस मैच को। इसके बाद दोनों सुपरस्टार्स के बीच रेसलमेनिया नाइट टू के मेन इवेंट में मैच देखने को मिल सकता है। इस मैच को जीतकर दी रॉक अपनी लड़ाई और इस कहानी को खत्म कर सकते हैं, ऐसा भी प्रेडिक्शन जताया जा रहा है। तो हो सकता है ये मैच काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो आगे देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मैच में क्या होता है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।